हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज मैं आपको लसूड़े का अचार डालना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने लसूड़े लिए हैं और उनको धो के अच्छे से एक कढ़ाई में मैंने गर्म पानी रख दिया है। अब उसमें डाल के मैं इसको बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने का दोस्तों फ़ायदा ये है कि ये सॉफ़्ट हो जाते हैं और इसके बाद हम जब ये बॉईल हो जाएं तो इसको हम निकाल के धूप में सुखाना शुरू करेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा हमारा। शाम को देखिए दोस्तों, ये सूख चुके हैं हमारे लसूड़े। अब इसको मैं साफ़ करूँगी। ये ऊपर जो पार्ट है ना, इसको आप निकालते जाएं और ऐसे साफ़ करते जाएं और रखते जाएं। दोस्तों, इसके बीच में की जो गुठलियाँ हैं ना, आप उसको भी निकाल दें। ये देखिए, मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं और ये ऐसे हैं। लाल मिर्च, नमक और हल्दी ली है मैंने। अब मैं इसको इस अचार में डालूंगी। इसके बाद मैं मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ को पीस के सरसों के तेल में मिक्स करके डालूंगी। अगर दोस्तों आपके पास आम का अचार है, उसमें जो मसाला बच जाता है ना, तो आप उसका मसाले का इस्तेमाल भी आप इस अचार में कर सकते हो, जिससे कि इस अचार का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर नहीं है तो फिर मैंने जो बताया है आपको कि सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी को आप पीस लें और सरसों में के तेल में मिक्स करके इसमें डाल के मिक्स कर लें तो अचार बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा अचार। अब हम एक जार में इसको भर के स्टोर कर लेंगे। फिर आप दोस्तों इसको 5-7 दिन के लिए डेली धूप में रखें, जिससे कि ये अचार ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।